के मालवा में क्षिप्रा नदी के तट पर हजारों वर्षों से भी पहले से बसी है भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन। अलग अलग सदी में ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है, उज्जैनी, अमरावती, कुशस्थली, कनक श्रृंगा और अवंतिका। अवंतिका नगरी भय को दूर करने वाली, अकाल मृत्यु का योग होता है उसको दूर करने वाली, जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, कूर्म अवतार हुए हैं, वरा अवतार हुए हैं, नरसिंह अवतार हुए हैं, राम कृष्ण, सभी अवतार किसी न किसी समय पर अपने अवतार के समय पर अवंतिका में आए हैं। पुराणों में सप्तपुरी यानी सात मोक्षदायिनी नगरों का वर्णन है, उसमें उज्जैन नगरी भी शामिल है। Ujjain had become a city of devotees. उज्जैन भक्तों और ज्ञान के जिज्ञासुओं का नगर था। वो लगभग भारत की दूसरी काशी की तरह हो गया था। प्राचीन काल में उज्जैन में हजारों मंदिर स्थापित किए गए थे, इसलिए उज्जैन को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 लिंगों में महादेव अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। हमारे अवंतिका में शक्तिपीठ है, हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जो विक्रम की आराध्य देवी है और कृष्ण की कुल देवी है। प्राचीन काल में ये विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी भी थी। यहाँ पर महाकाली हरसिद्धि के रूप में मौजूद हैं। कथाओं के अनुसार उज्जैन में सती की कोहनी गिरी थी और हर सिद्धि मंदिर वहीं स्थापित किया गया था। रोज शाम को मंदिर के प्रांगण को दीपों से सजाया जाता है और आरती के समय मंदिर की छटा बेहद खूबसूरत व निराली होती है। प्राचीन काल में ये कापालिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और उज्जैन के जितने इस समय देवता उपस्थित हैं ये सभी कहीं ना कहीं अघोर या कापालिक मतों के ही प्रतिपादक हैं। काल भैरव, काल भैरव का अर्थ होता है कि जो काल अर्थात समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो। गढ़ कालिका काली माँ का मंदिर है। जो महाकवि कालिदास की आराध्य देवी रही है, जहाँ से कालिदास को ज्ञान प्राप्त हुआ है। गढ़ कालिका, ये क्रम से सबके नामों में काल का जो वर्णन आ रहा है, काल अर्थात समय, और उस काल के ऊपर भी जो नियंत्रण करता है वह महाकाल है। दूषण दैत्य का वध करने के लिए और उसके कोप से एक ब्राह्मण बालक को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे इस जगह पर और उस दैत्य को और उसकी समस्त सेना को यहाँ पर नष्ट कर दिए थे। उस बालक के निवेदन पर भगवान महाकाल ने हमेशा के लिए उसके पास निवास करने का निश्चय किया और इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ स्थित हो गए।
तब से यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। भगवान शिव देश भर में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन में इन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। भगवान शंकर का ये एक पूरा ब्रह्मांड में एक ही शिवलिंग है जो दक्षिणाभिक ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा काल की, काल को जिसमें भस्म कर रखा है वो महाकाल है। गर्भगृह में ऊपर सिद्धि यंत्र स्थापित है। महाकाल के बाईं ओर गणेश विराजमान है, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे कार्तिकेय और दोनों के मध्य में माता पार्वती। इस ज्योतिर्लिंग की वास्तविक समय सीमा की यह कब से है इसके बारे में हमारे ग्रंथ मौन है। वो कथानक उपलब्ध होता है किंतु समय सीमा का निर्धारण उपलब्ध नहीं होता है। पुराणों के आधार पर हम 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व इस मंदिर के निर्माण तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन इस मंदिर के निर्माण के पूर्व यह ज्योतिर्लिंग कब से है इसके बारे में हमारे ग्रंथ मौन है, क्योंकि आज भी वास्तविक भूतल के नीचे महाकाल जी विराजमान होते हैं। गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा मौजूद है। दर्शनार्थी यहाँ पर बैठकर गर्भगृह में प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। अलग अलग प्रांतों और समुदायों से आए हुए भक्त तरह तरह की साधना करके श्री महाकालेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। दिन भर पुजारी पूजा अर्चना करते हैं और अलग अलग तरह की आरती समर्पित करते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद अपनी मनोकामनाओं को नंदी के कान में कहने का चलन भी है। इन सब पूजा अर्चना आरती भक्ति के बीच में कई सदियों से विराजमान है महाकाल। What is महाकाल mean? महाकाल का मतलब क्या है? काल शब्द के दो अर्थ हैं। काल का अर्थ होता है समय और काल का अर्थ अंधेरा भी होता है। समय यानी कि आपके वर्तमान अनुभव में समय का मतलब चक्र होता है, आणविक से लेकर ब्रह्मांडीय तक, एक अणु से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक, सभी चीजें चक्रों में घूमती हैं। पृथ्वी एक बार घूमती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो उसे हम एक महीना कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे हम एक साल कहते हैं। नींद और जगने के चक्र, खाने पाचन भूख के चक्र, इस तरह बहुत सारे चक्र हैं। चीजों की चक्रीय गति से ही आपको समय का आभास होता है। अगर चक्रीय गति नहीं होती, अगर सृष्टि में चक्र नहीं होते, अगर भौतिकता नहीं होती, तो आपको समय का अनुभव नहीं होता। यानी कि समय भौतिक अस्तित्व के जरिए व्यक्त होता है। भौतिक अस्तित्व एक विशाल अनस्तित्व की गोद में घटित हो रहा है, जिसे अंग्रेजी में स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। यहां हम उसे काल या अंधकार कहते हैं। हम अंतरिक्ष को अंधकार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर आप प्रकाश को देखना चाहते हैं तो या तो आपको प्रकाश के स्रोत को देखना होगा या किसी ऐसी चीज को जो प्रकाश को रोकती हो, वरना आपको प्रकाश का कोई अनुभव नहीं होगा। आप सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, चंद्रमा प्रकाश को परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट करता है। बीच में सब अंधकार है मगर रोशनी गुजर रही है। अस्तित्व का मूल आधार है काल या समय, क्योंकि समय के कारण ही स्थान की गुंजाइश है, वरना स्थान का अस्तित्व नहीं होता। इसलिए स्पेस को काल या अंधकार कहा जाता है।
क्योंकि अंतरिक्ष अंधकारमय है। अगर आप समय का अनुभव करते हैं भौतिकता के परे या भौतिकता की सीमाओं से परे, तो ऐसे समय को हम महाकाल कहते हैं। महाकाल वो गोद है जिसमें सृष्टि के छोटे छोटे कण यहां वहां मौजूद हैं, बाकी सब खालीपन है। इस फैले हुए ब्रह्मांड में करीब 99% खालीपन है। विशाल आकाश गंगाएं चक्कर लगा रही हैं, मगर उनका 99% खालीपन है। इसलिए महाकाल की गोद में ही सृष्टि घटित होती है। अगर आप सृष्टि के सीमित कणों से जुड़े हुए हैं तो आप समय का अनुभव चक्रीय गति के रूप में करते हैं। इस आयाम को संसार कहा जाता है, जिसका अर्थ है चक्रीय गति। अगर आप इसके परे चले जाते हैं तो इसे हम वैराग्य कहते हैं, यानी कि आप पारदर्शी हो गए हैं। जब आप पारदर्शी होते हैं तो आप रोशनी को नहीं रोकते। रोशनी को न रोकने का अर्थ है कि आप जीवन की बाध्यकारी प्रकृति या चक्रीय गति से मुक्त हो गए हैं। जीवन की चक्रीय गति से मुक्त होने को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर लेना कहा जाता है। इसलिए जो लोग मुक्ति या मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह आयाम जिसे हम महाकाल कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सिर्फ संस्कृति से जुड़ी हुई चीज नहीं है, इसमें एक विज्ञान है। उस कृपा क्षेत्र में होने पर इस महाकाल रूप की मौजूदगी में जब आप वहां जाते हैं तो सब कुछ खत्म, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप भौतिक से मुक्त हो गए हैं। वो रूप आपको अपनी परम मुक्ति मोक्ष की ओर ढकेलता है। मुक्ति की ओर ले जाने वाले महाकाल की आराधना में कई आरतियां की जाती हैं। सूर्योदय से पहले भस्म आरती से दिन की शुरुआत होती है। भस्म आरती के दौरान महाकाल को पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद महाकाल का जलाभिषेक होता है और फिर अनेक विधि विधाओं से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुम् व्यापकम् ब्रह्म वेद स्वरूपम्। भगवान यहाँ पर ब्रह्म रूप में विराजमान है, क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है, निराकार और साकार दोनों स्वरूपों के अंदर परमपिता परमात्मा रहते हैं। भगवान महाकाल जब प्रातः काल भस्म आरती होती है तो वो निराकार से साकार रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात शिव से वो शंकर बन जाते हैं। अंत में महाकाल पर भस्म अर्पित की जाती है। प्राचीन मंदिर जब से स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर भस्म का लेपन होता है और यह क्रिया भगवान महाकाल की प्राचीन समय से सन्यासियों का एक विशेष वर्ग करता आया है, और सन्यासियों के उस विशेष वर्ग का जो महंत होता है वही भगवान महाकाल पर भस्म का लेपन किया करता है। Thank you.
प्रातःकाल नित्य भगवान महाकाल की भस्म आरती उसी क्रम से करते हैं जिस क्रम से आज के हजारों वर्षों पूर्व होती थी। और यही भगवान महाकाल की मुख्य पूजा मानी जाती है। भस्म आरती का समापन प्रचंड अग्नि, डमरू की तीव्र ध्वनि एवं शंख के जोरदार स्वर के साथ किया जाता है। प्रातः काल भस्म आरती के बाद 7 बजे दद्योदक आरती होती है। दही और चावल का भोग लगाया जाता है। दोपहर 10 बजे भोग आरती होती है जिसमें भोग का अर्पण किया जाता है। शाम 5 बजे भगवान महाकाल का पूजन श्रृंगार होता है जिसमें भगवान महाकाल को भांग समर्पित की जाती है। उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। शाम 7 बजे संध्या भोग आरती की जाती है। संध्या काल में आरती के दौरान तेज नगाड़ों, ढोल, घंटियों के साथ महाकाल का वंदन किया जाता है। जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती को मृदंग आरती भी कहा जाता है, तो वो आरती का दिव्य दृश्य ऐसा लगता है कि कोई राजा की राजा का मनोरथ हो रहा है। भगवान राजा के स्वरूप में बैठते हैं, अवंतिका के राजा है, ब्रह्मांड के राजा है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी दूसरा राजा रात्रि विश्राम नहीं करता, महाकाल ही स्वयं ब्रह्मांड के राजा है। संध्या आरती का सुंदर चित्रण कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में कुछ इस प्रकार किया है। हे मेघ, जब तुम उज्जैनी जाना तो महाकाल के दर्शन अवश्य करना, वहां की संध्या आरती को अवश्य देखना। संध्या काल में लाखों की संख्या में पक्षी मंदिर के प्रांगण में लगे पेड़ पर एकत्रित होते हैं और आरती की भव्यता पर 4 चांद लगा देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह के अलावा 2 और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सबसे ऊपरी तल पर मौजूद है नाग चंद्रेश्वर, जिनके दर्शन केवल नागपंचमी के दिन ही होते हैं, और उसके नीचे मंदिर के पहले तल पर ओंकारेश्वर रूप में शिव विराजमान है। सिंहस्थ कुंभ उज्जैन का महान धार्मिक पर्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत लेकर जाते समय अमृत की 4 बूंदें कलश से छलकी और पृथ्वी पर गिर गईं। उसके बाद उन 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में कुंभ मेले की प्रथा का जन्म हुआ। कुंभ के दौरान चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर वैशाख की पूर्णिमा तक पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करने को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ये 12 साल के सौर चक्रों का 12वां चक्र है। इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। महाकाल के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ सदियों से लगती रही है। हमारा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आए, महाकाल की नगरी है, अवंतिका है, यहाँ पर उनको सब चीज सुलभता से मिलेगी, पर एक निष्काम भाव से आए। शास्त्रों के अंदर भगवान शिव के चरण स्पर्श का महत्व, अर्थात भगवान शिव के चरणों में स्पर्श है, ना कि लिंग पे स्पर्श है। दूर से ही भगवान शिव को भी यदि नमस्कार कर लेता है, दूर से यदि भगवान शिव को किसी
जल पात्र के माध्यम से भगवान पर जल चढ़ा देता है तो भगवान महाकाल के ऊपर जल चढ़ता है, यह भावना लेकर आए। भगवान के ऊपर जो जल चढ़ रहा है, जल लेने की प्रथा, जो निर्माल से लेने की प्रथा है वो जलाधारी से है। कुछ लोग श्रद्धालु भगवान का जो कलश चढ़ रहा है उसमें से जल लेते हैं, वो गलत है। भगवान महाकाल को मस्तक नहीं लगाना चाहिए, उनको या तो जलाधारी में स्पर्श करे वो, दूसरा मंदिर की एक मर्यादा है उसका पालन करे। अपनी जो भी शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था का पालन करें। सदियों से सभी के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ी हैं मंदिरों की नगरी उज्जैन, और सदियों से भक्तों को अपनी कृपा के आगोश में भरकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए विराजमान हैं कालों के काल महाकाल। एक बार फिर हम आप सबका इस उज्जैन नगरी में स्वागत करते हैं। Shambho, Shambho.